हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अनीता जी के दुनिया में किचन में। ठीक है, भूल गई। तो पता है, आज हम लोग ना, हम और दीदी बनाने वाले हैं अरबी के पत्ता का एक नया सब्जी, जो कि आप ना इसको शायद नहीं खाए होंगे, लेकिन है बहुत पुराना रेसिपी, लेकिन इसको आज हम लोग बनाने वाले हैं तो आपके लिए तो नया है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे पुराने जमाने में बनाया जाता था अरबी के पत्ता का स्वादिष्ट सब्जी। आज हमारी दीदी नया साड़ी पहन के आई है, नया चूड़ी पहनने वाली। अच्छी लग रही है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। वैसे दीदी हमारी वैसे भी स्मार्ट है, चाहे वो कैसा भी साड़ी पहनती है, सुंदर लगती है। कोई नहीं, कीमत ली है इस सब में, हम बहुत में ले ले बानी। लोग कहला कितनी सुंदर है आपकी दीदी। कुछ ना, कितनी सुंदर है, कितनी आपकी हेल्प कराती है, मतलब सब लोग कहला। तो चलिए दीदी से हम कटवाएंगे और आपको हम दिखाते हैं काट के, ब्लॉग में भी बता दी भाई। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो देखिए आज हमारी दीदी ना नया साड़ी पहन के आई है, आप दिखाएंगे लाला जी को, और इधर लाला जी के लिए हम भी नया साड़ी पहने हैं। तो देखिए हमारी पिल्लू भी रेडी है, इधर हमारी दीदी भी तैयार है, तो इधर खाने वाले लाला जी भी तैयार है, सब लोग तैयार है। तो ये देसी रेसिपी बनाने वाली दुल्हन रख दी आईफोन। क्यों रखी है आईफोन बता देती हूँ, उसका भी रीजन है। हमारा एक और चैनल है अनीता जी की दुनिया, उस पर ब्लॉगिंग करती हूँ दोस्तों, जाके देखिएगा जरूर। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब पुराना है तो भी कमेंट करके बताइएगा कि अनीता जी मैं इतना दिन से देख रहा हूँ। देखिए कितना सुंदर सुंदर पत्ता है दोस्तों। कैसन काटी दीदी, बड़ की छोट? बड़ के रली काटी। देखिए अब मैं तो थोड़ा बहुत काट ली, सोची दीदी भी काट ले। ये देखिए हाय बड़ के काटी जाओ। देखिए इतना हम लोग काट लिए हैं, अब लेके चलते हैं आपको दिखाते हैं कि कैसे बनता है ये। देख रहे हैं, ये देखिए चौड़े इसको, एक एक पत्ता को ना हम लोग अच्छा से धोएंगे। ये देख रहे हैं, इसको दो तीन पानी अच्छा से इस तरीके से हाथों से रफ करके धोएंगे, मिट्टी चढ़ा रहता है। धो धो के इसको बढ़िया से साफ करेंगे पहले। देखिए इस तरीके से धोना है। तो दो लोग तो लगे ही है, हम तीसरा भी लग जाते हैं। और लहसुन दो तीन गांठ छीलना है तो छील के रखते हैं। अरबी का पत्ता का बन रहा है सब्जी ना, उसके लिए लहसुन चाहिए, तो उसको छील के और रख देते हैं। दीदी का देवरानी लजाले वाले नहीं है। कहती है ना दीदी कि सोहर के हम जे कैला सरम ओकर फूटल करम। एक आल तो निकाटल नहीं है। देखिए दीदी कैसे बना रही है, तो सेम मैं भी वैसी करने की कोशिश करती हूँ। ये देख रहे हैं डंठल है, डंठल को बीचे बीचे इस तरीके से काट रही है। और ये जो डंठल है ना, इसको काट दिया गया है और इसका रेशा निकाल दिया गया है। ये देखिए रेशा निकाल दिया गया है, थोड़ा बहुत है तो कोई बात नहीं, ये नरम है, ये देख रहे हैं। और उसके बाद देखिए दीदी कैसे बना रही हैं, एक बना के दिखाई दीदी। Thank you.
लपन मु टाइट मु बा हीरा बा अच्छा देखी भाई दीदी तो बना ले रही है इतना सुंदर सुंदर, मेरे से तो बड़का भचाका बन जाता है। पूरा पतीजा के हमको जल्दी जेवन हो के मेरे मसाला उसला घुसे में अच्छी हो जाएगी, पातर रही तो बिना ठीक रहेगी। हां देखिए 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 ना दिया बनाओ ना जेंगो हो जाए एकरा के ये करे के कि जेंगो बन जाए ना एकरा के हमरा माना कि यही में बनाए के। हां गेठरियावा बना रहे हम लोग गेठरियावा जेंगो नहीं हो जाए ना। ये गांठ गांठ सा बना रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये जो रेसिपी है ना बड़ा पुराना रेसिपी है, तो पता नहीं ऐसा अरबी का पत्ता का रेसिपी आप लोग देखे हैं कि नहीं बताइएगा। ये हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से मेरी अम्मा जी भी बनाती थी, जब ये जो जगह है ना ये जगह में अरबी के पत्ता ही बोया जाता था। अच्छा ये को तनी फोड़ा गया ना और नामा में होई नु तो तनी बड़के होई आ होई ये ला नु रहिया जोंगा। हां तो कहीं ना टूटी जेंगन माने बन जाए तो के स्टेशन मतलब ये देखिए सब फोल्ड कर ले रहे हम लोग। अब फोल्ड करने के बाद में इसको इसको इस तरीके से गांठ बना दे रहे हैं, जैसे रस्सी नहीं बांधते हैं सेम तरीके से बांध रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कैसा बन रहा है, लग रहा ना। तो ये देखिए इस तरीके से गांठ गांठ बना के अब पत्ते को हम लोग रख ले रहे हैं। तो देखिए थाली में बनाना बेहद आसान है, दीदी मेरे को सिखा दी। तो यहाँ पर देखिए दीदी मसाला दे रही हैं, दे कर रही हैं, पीस रही हैं। मैं कटरी से देखा था, दे रही है पीस रही है, ऐसे काम करवाती है ये। तो अपना हिजे करना चाहिए, जहाँ बैठल भी है वही ऐसे दे रही है, ले रही है बस ना। आज हम पीसें दीदी। हाँ ये जबरदस्ती यही ना ऊपर ही, जब कोई बोलेगा कि हम पीसे हम तो दूसरा का पता का बोलेगा। देखिए अच्छा तू का पीस, हम ही पीस देता नहीं। बह हो गया काम सब बराबर का। देखिए देखिए दोस्तों ये जो सब्जी है ना बनाई हूँ मैं पहले, जब नई नवेली आई थी तब उस टाइम भी बनाई हूँ, बाद में भी बनाई हूँ। लेकिन ये जो मसाला का क्वांटिटी है ना, और एक होता नहीं है जो बड़ों का हाथ लग जाता है ना उसका टेस्ट ही बदल जाता है, पता नहीं क्यों। वही तड़का दाल में आप डालिए, वही तड़का हम डालेंगे। पता नहीं अंजलि को ने कहा कि मम्मी जब आप करती हो तड़का तो अलग टेस्ट आता है और मैं करती हूँ तो अलग टेस्ट आता है, ये कैसे होता है। और सेम आप ही के तरीके से करती हूँ तो वैसी है, दीदी करती है ना दीदी वाला अलग टेस्ट आता है। आप दहेज लिए तो ठगा गए ना दीदी, दहेज ना ले लेते तो जीताए होते। मर्चा दे दीदी, तो ये मर्चा है, ये भीड़ की मिर्चा लाई हूँ मैं। कितना था दी? हम ज्यादा काम नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। देख बड़ी मम्मी बनाएगी और मैं मसाला पीसूंगी। भाई जय श्री राम, तो लगता है कौन बनाया है। देखिए दोस्तों बॉडी को ध्यान में रखते हुए मसाला पीस डालेंगे आज, लाला जी का नाम रोशन कर देंगे। ये देखिए मसाला का भाई दिखाया जाए क्वांटिटी। तो ये देखिए पत्ता उतना ही है, इसमें मसाला क्या क्या लगता है वो दिखाते हैं। 2 से 3 चम्मच है ये धनिया हैं, और 1 टुसा ये हल्दी देख रहे हैं, और 1.5 से 2 चम्मच सरसों ठीक है। और यहाँ अपने तीखे के अनुसार ये थोड़ा बहरा होता है ना दीदी, ये बहरा होता है, बहरा का मतलब ज्यादा मिर्चा लगता है, तीखा नहीं होता है ठीक है। 10-15 मिर्चा लिए हैं, आज 3-4 गांठ लहसुन लिए हैं छोटे छोटे साइज का, और 1 चम्मच जीरा और गोलकी 1 चम्मच, इन सबको पीसना है। तो भाई पीस लेते हैं जोर लगा के। हैया
हम कभो मसाला ना पीस ले रहूंगी। लाला जी के घर आके देखिए कहाँ आराम कर रहे हैं, देखिए उधर देखिए। तो बड़ी मम्मी देखो तड़का मार रही है। काका डलले बनी दीदी बता दें तो नहीं तो मेथी का तड़का डालिए दीदी या तेल डाल के इसमें देखिए तल रही है। इधर हम मसाला पीस ले रहे हैं। मसाला इधर हमारा पिसा गया है खूब सुंदर। पर दीदी जैसा नहीं पीसी हूँ। हम जब छोटे में मसाला पीसते थे ना तो मेरी मम्मी बोलेगी कि जितना पीसती नहीं है मसाला में चाट जाती है। कितने कैसे जरा नहीं गिर और जाइए ने बोले लेबरा जाइए गिर जाइए। तो जो मेरी बेटी है उसका फेवरेट सब्जी है ये और उसका मतलब रेकमच भी। देखिए अभी हम लोग आए थे ना धनिया का पत्ता नहीं लिए। दीदी बोली जाओ खेत में से धनिया का पत्ता लाओ। डर लगे धनिया देखिए कितना फ्रेश। तो देखिए कितना अच्छा तल तल के तैयार की है दीदी। एकदम मजा आ गया देख के ही। तो ये देखिए तड़का दे रही है दीदी। मिर्चा है तेज पत्ता है मेथी डाली तनी लोहा के लाला जी बोल रहे हैं। देखिए कैसे बोले हैं यहाँ पे पीछे ना यहाँ पीछे खेतों में भाभी लगा रखी है धनिया का पत्ता। और कोहड़ा का सब्जी में धनिया का पत्ता डालने की क्या जरूरत होगा, वैसे ही ठीक लगेगा। तो किसी भी सब्जी में धनिया का पत्ता जरूर डालो क्योंकि यहाँ फ्री का मिल रहा है। दीदी कौन है दीदी कौन है की धनिया का पत्ता एगो ले आओ खेत में से जा तो हम जाके ले नहीं। देखिए यहाँ पे तड़का भून गया है तेज पत्ता और डाले थे मिर्ची। अब इधर हम प्याज डाल देते हैं इसको पूरा अच्छा से भूज दो। उसके बाद टमाटर डाल दी है उसके बाद मसाला डाल दी है सब भूजा जाए में पानी डाल दी है उसके बाद वही में ओकरा के डाल दी है डबके लगी तब डाली डबका दी है 5 मिनट पानी ऐसा नहीं डाली है कि मैंने खाली लदर फदर होके ज्यादा पानी गरो ना होके दीदी टमाटर डाल देंगे बोली है। अभी गाय को ना चारा देने गई है तो मैं बोली कि मैं भी आ रही हूँ पीछे पीछे। तो देखिए टमाटर थोड़ा सा गल गया है। तो यहाँ तो जो मसाला हम पीस के रखे हैं ना देखिए मसाला कितना बढ़िया मसाला पीसेंगे। अब यही डाल लेंगे सारा मसाला। देखिए थोड़ा सा पानी डाल के और सारा मसाला को इसी में डाल लेंगे। अब मसाला को ना एकदम अच्छा से भून डालना है एकदम मसाला तेल छोड़ दे। दीदी बोल के गई है उसी तरीके से मैं बना रही हूँ।
मसाला को अच्छे तरीके से भूनना है दोस्तों। तेल छोड़ दे, बिल्कुल तल्ला में चिपकने लगा है, ये सुनहा गया है बिल्कुल अच्छा तरीके से। अब इसमें आपको जितना ग्रेवी बनाना हो उतना आपको पानी ऐड करना है, पानी नहीं डाल के डबका लेना है, खौला लेना है और स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। खोल गया है ग्रेवी, अब इसमें ये तला हुआ ये जो पत्ते का गठरिया बनाए हैं ये सब डाल देंगे। लगवला पिया हो वाहो, लगवला काहे न लगवला पिया हो। अब इसको इसमें 5 मिनट तक धीमी, 5 मिनट पकाने के बाद हमारा सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। 5 मिनट पकने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी दोस्तों। तो सब्जी हमारा कितना सुंदर कंप्लीट हुआ है, इतना बढ़िया कि मैं क्या बताऊं आपको। मैं एक कटोरे में निकाल के दिखाती हूँ, देखिए कितनी जबरदस्त सब्जी। अब इसको ना रोटी के साथ आप खा लीजिए, चाहे चावल के साथ आप इसको। ए मैं तो कुछ नहीं गला वाला ना काटे ला दीदी ना, ना, ना अगर अगर गला काटने वाला अरबी के पत्ता हो तो उसमें खटाई एक डालना जरूरी है, नहीं तो आमचूर कुछ ना कुछ डालिए। देखिए दीदी हमारी बोल रही है अभी तक बनाते बड़ी हो, देखिए कितना जबरदस्त। ऐसा सब्जी देख के किसके मुंह में पानी नहीं आएगा, ठीक बन दीदी है मस्त बनल बा। तो हम इतना सब्जी क्या करेंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे क्योंकि 3 जन है, बाकी हम दीदी को देते हैं, दीदी के यहाँ सर्व हो जाएगा। लगा हमारा ये अरबी का पत्ता का न्यू तरीके का सब्जी, पुराना तरीके का सब्जी बता दीजिएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूले दोस्तों, पुराने हैं तो भी कीजिए क्योंकि हमें आप लोगों का कमेंट का हमेशा से इंतजार रहता है। तो फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी में, जब तक के लिए इंजॉय और शेयर मारिए। जितने भी दोस्त है ना पुराने खाने वाले, जो सब लोग बोलते हैं आप लोग अनिता जी ये बना दीजिए पुराना रेसिपी वो बना दीजिए, तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग हमें मौका देते हैं बनाने का। यहाँ भी टेस्ट होगा, भैया जी टेस्ट करेंगे। गौरम बा दीदी ठीक बहुत धन्यवाद।